नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम आपको करेंसी कन्वर्टर के बारे में बताएंगे। जी हां, बहुत सारे लोगों का सवाल था करेंसी कन्वर्टर से। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम यूएस को INR में या INR को यूएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक नई वर्कशीट लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हम रेट को डालेंगे और हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। दो शीट हम लेंगे यहाँ पे। अब प्रॉब्लम है कि रेट हम अगर मान मैनुअल डाल दें, रेट तो हर दिन हर घंटे चेंज होते रहते हैं, तो कैसे होगा? तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो उसके लिए आप इंटरनेट पे जाएं और xrate.com पे आप टेबल को सर्च, गूगल पे सर्च करने से आ जाता है करेंसी कन्वर्टर। इसमें आपको सारे करेंसीज का रेट दिया हुआ है। इस URL को कॉपी करें और आप डेटा में चले जाएं, फ्रॉम बेम। ये थोड़ा सा शुरुआती में स्लो होता है। उसके बाद यहां पे पाथ को डालें, ओके करें। एक बार आपको कनेक्ट करने का भी ऑप्शन देगा, लेकिन मैं इससे पहले कर चुका हूं, इसलिए कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया। आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा तो कनेक्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो किस टेबल्स का दिया, जैसे एक टेबल ही दे दिया, इसमें आपका पूरा कंट्री करेंसी आ गया, करेंसी का आ गया। और दूसरा टेबल ये था जिसमें मेनली जो करेंसी यूज होती है उनकी है। तो मैं यहाँ कंप्लीट वाला टेबल वन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको लोड कर देता हूँ। एक सीट ऐड होके लोड हुआ, इसका सीट का नाम मैं रेट कर देता हूँ। लोअर वर्जन में सीट पे ऐड होता था, लेकिन 2019 एंड ऑफिस 365 में अपने खुद ब खुद लोड हो जाता है। कन्वर्ट में यहाँ करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे हम देंगे INR, उसके बाद यहाँ होगा सेलेक्ट कंट्री, उसके बाद यहाँ पे होगा कन्वर्ट करेंसी। अपने हिसाब से लगा सकते, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचूं इसलिए मैं छोटा सा कर रहा हूं। तो सिलेक्ट करेंसी में हम इसको जाते हैं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देंगे तो सही रहेगा। डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन में लिस्ट को सेलेक्ट किया, लिस्ट में आए और हम रेट में गए और अपने जो एक कोड है उस कोड को हम ले लेते हैं। उसके बाद हम जो भी करेंसी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसमें देते हैं VLOOKUP का ऑप्शन, VLOOKUP, इसको जाए रेट में, तीसरा नंबर चाहिए क्योंकि $1 एक पर्टिकुलर करेंसी, जैसे कि अगर एक INR जो होता है इतने के बराबर होता है, एक INR इतने के बराबर होता है। और यहाँ अलग अलग कंट्री से मान लीजिए मैं $US लेता हूँ तो आज के रेट में 76.58 है इसका रेट, लेकिन ये तो एक का हुआ। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ब्रैकेट में रख के और मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ INR, जैसे कि INR चेंज होगा 25 होगा, ये अपना चेंज हो जाएगा। जैसे 420 कर दिया तो चेंज हो गया, जैसे जैसे INR चेंज होगा अपना खुद ब खुद चेंज करता चला जाएगा। इसके बाद करेंसी को अगर हम हटाएं यहाँ पे, मतलब मैं स्विच फ्रांस कर दिए, यहाँ आ गया, चेक करना है तो 1 यहाँ पर डलेगा और बता दें 79 का है स्विच फ्रांस, कोरियन इतना का है, कोरोना सॉरी स्वीडिश कोरोना, कतर रियाल, इस तरह से इसका हमने कन्वर्ट कर लिया। अब डेटा अपडेट के लिए ये इसको आप रिफ्रेश कर लीजिए, तो रिफ्रेश होते ही डेटा यहाँ पे देखिए अपने आप अपडेट कर देगा, जैसे अपडेट हो अपडेट कर देगा। या फिर आप इसकी यहाँ क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे चले गए और इसमें लगा सकते कि रिफ्रेश एवरी मिनट्स या रिफ्रेश विन द ओपनिंग फाइल,
ये सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश कर देगा, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अदर को सब्सक्राइब शेयर करें, और जब भी मुझसे मेरे साथ ऑनलाइन क्लास लेनी हो मुझे इस पर कॉल करें, या फिर मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं। थैंक यू।